हेलो फ्रेंड्स, आज मैं खुर्दा डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए जेई सी एन डब्ल्यू का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत खुर्दा डिवीज़न के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट कराए गए थे, जो कि जेई सी एन डब्ल्यू का था, जो जिसका एग्ज़ाम डेट 22 मई 2022 था और जिसके अंतर्गत प्रश्न की संख्या 110 पूछे गए थे। इसके लिए टोटल 2 घंटे का समय दिया गया था और टोटल मैक्सिमम मार्क्स इसका 100 था और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 रखे गए थे, जिसमें 110 प्रश्न लिए गए थे, जिसमें कैंडिडेट को ओनली 100% प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 रखे गए थे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। द स्पीड रेस्ट्रिक्शंस फॉर ब्रेकेज ऑफ प्राइमरी आउटर स्प्रिंग इन एलएचबी कोच इज 10 किलोमीटर पर आवर, यानी एलएचबी कोचों में प्राथमिक बाहरी स्प्रिंग के टूटने के लिए गति प्रतिबंध 10 किलोमीटर प्रति घंटा रखा गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 80 किलोमीटर पर आवर सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। सेकेंड प्रश्न की बात करें तो द डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन वैगन फिटेड विथ BMBS सिस्टम, यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम के साथ प्रयुक्त वैगनों में ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा 10 इंच होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। लेकिन कभी कभी इसको MM में पूछ लिए जाते हैं, तो इसके 255 MM के अप्रॉक्स इसका MM में ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि BMBS के अंतर्गत किस टाइप के ब्रेक ब्लॉक प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें हमारा K टाइप के ब्रेक ब्लॉक प्रयोग किए जाते हैं, जिसका नए कंडीशन में 58 mm, वहीं कंडम 12 mm पर कंडम कर देते हैं। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की बात करें तो ऑटोमेटिक प्रेशर मॉनिटरिंग यानी APM इज फिटेड इन वैगन बिटवीन, यानी निम्न में बीच वैगनों में स्वचालित दबाव निगरानी यानी APM लगाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हमारा बोगी साइड फ्रेम एवं बोगी अंडर फ्रेम के बीच लगाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए आपसे कि इसका आर्म का मूवमेंट कितना होता है, तो APM का आर्म का मूवमेंट मैक्सिमम 104 mm होते हैं, जिसमें अगर 80 से अगर कम हो तो उस केस में यह लोडेड को दर्शाता है, वहीं अगर 80 से ज़्यादा अगर आर्म का मूवमेंट 80 से ज़्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में यह MT को दर्शाएंगे। वहीं अगर बात करें कि अगर इसमें अगर एम्प्टी रहे तो कितना प्रेशर जाएगा, तो एम्प्टी कंडीशन में 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जाता है। वहीं लोडेड में बात करें तो 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जाता है ब्रेक सिलेंडर में। वहीं APM के लिए अलग से एक ऑक्सिलरी रिजर्वायर की व्यवस्था की होती है, जो कि 6 लीटर के होते हैं, जो DB से आए हुए अतिरिक्त प्रेशर को ऑक्सिलरी रिजर्वायर में भेज देते हैं, वही MT और लोडेड के हिसाब से वह ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो रेक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ BLC वैगन इज, यानी BLC वैगन की रेक ले जाने की क्षमता कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए 45 हमारा सही उत्तर है, यानी 9 यूनिट का एक रेक चलता है, जिसमें अगर एक यूनिट में बात करें कितने होते हैं BLC में, तो टोटल 2 A कार होते हैं और 3 B कार होते हैं एक यूनिट में, टोटल 9 यूनिट का एक रेक चलता है। वहीं इसके अलावा बात करें कि BLC वैगन में 8 की संख्या में ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक प्रयोग किए जाते हैं, वहीं LHD भी लगे होते हैं लोड सेंसिटिविटी के लिए, और अगर पूछा जाए कि LHD के अंतर्गत जो हमारा जो नीचे वाला प्लैंक होते हैं और उसका जो स्ट्रोक उसके बीच गैप कितने होते हैं, तो इसका गैप हमारा 16 ± 1 mm का गैप होता है। वहीं आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता जाता है कि BLC वैगन में
नए व्हील का साइज कितना होता है? द न्यू कंडीशन में व्हील का साइज 840 mm, वहीं कंडम में पूछा जाए तो ये 780 mm के होते हैं। वहीं जो हमारा 5 यूनिट का ए कार बी 3 बी कार लगे होते हैं और 2 ए कार होते हैं, इसका अगर सीवी से हाइट होता है मिनिमम 1105 mm, वहीं यहाँ पर हमारा SLD यानी स्लैक लिस्ट ड्रो बार लगे होते हैं बी कार के बीच, जिसकी रेल लेवल से हाइट 845 mm के होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे इससे पूछा गया था कितने रेक यूनिट के चलते हैं, तो एक 9 यूनिट का रेक यानी टोटल 45 यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, द हॉट बॉक्स टेम्परेचर लिमिट फॉर कोचिंग स्टॉक इज डैश डिग्री, इस यानी कोचिंग स्टॉक के लिए हॉट बॉक्स तापमान सीमा डैश डिग्री है, इसका सही उत्तर 80 डिग्री सेल्सियस यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द स्पीड एट विच वैगन नीड्स टू पास ओवर इन मोशन बेट ब्रिज फॉर बेटमेंट इज डैश किलोमीटर पर आवर, एंड जिस गति से वैगनों को तौल के लिए इन मोशन बेट ब्रिज के ऊपर गुजरना पड़ता है वह डैश किलोमीटर पर आवर है, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी 15 किलोमीटर पर आवर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो OMRS यानी ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक मेजर्स यानी OMRS रोलिंग स्टॉक की ऑनलाइन निगरानी का उपाय क्या है, इसका सही उत्तर हमारा व्हील लोड एंड बियरिंग एकॉस्टिक यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन BLC वैगन हाइट ऑफ स्लैक लिस्ट ड्रोवर यानी SLD का जो हाइट होता है उसका रेल लेवल से कितना है, तो वो हमारा 845 mm होते हैं यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो ड्यूरिंग नाइट टाइम स्पॉट यानी सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन हमारा इसका फुल फॉर्म होता है सेल बी स्टार्टेड विद इन 10 मिनट ऑफ साउंडिंग ऑफ हुटर, यानी रात के समय स्पॉट हुटर बजने के 10 मिनट के भीतर शुरू हो जाएगा, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। द टाइप ऑफ बोगी यूज इन बॉक्सन HS वैगन यानी बॉक्सन HS वैगन में प्रयुक्त बोगी का प्रकार हमारा HS यानी हाई स्पीड हमारा यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो मैग्मा फ्लैश टेस्टिंग इन कोचिंग स्टॉक इज कैरीड आउट फॉर यानी कोचिंग स्टॉक में मैग्मा फ्लक्स परीक्षण किसके लिए किया जाता है, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए व्हील सही उत्तर हो जाएगा। पर्पस ऑफ EM पैड इन वैगन बोगी इज यानी वैगन बोगियों में EM पैड का उद्देश्य क्या होता है, इसका सही उत्तर है एक्ट एज अ प्राइमरी सस्पेंशन यानी प्राइमरी सस्पेंशन की तरह ट्रीट करता है यानी ऑप्शन ई हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिम फ्लो इज डैश डिफेक्ट यानी रिम प्रवाह एक दोष है नॉन रिजेक्टेबल यानी ऑप्शन ई हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, द एक्सल लोड ऑफ AC कोच इज डैश टन यानी AC कोचों का एक्सल लोड टन डैश होता है, तो ये हमारा 16.25 टन होता है जो कि AC कोच के लिए होता है। वहीं आपसे पूछा जाए नॉन AC के एक्सल टन, तो ये होता है 13 टन के होते हैं। हाई स्पीड ICF कोच कंडमिंग फ्लेंज थिकनेस एंड उच्च गति वाले ICF कोच की व्हील फ्लेंज की कंडम मोटाई कितनी होती है, इसका सही उत्तर हमारा 22 mm होते हैं यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टॉर्क वैल्यू ऑफ कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग यानी कार्टेज टाइप रोलर बियरिंग कैप स्क्रू का टॉर्क वैल्यू डैश kgm होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी 40 kgm हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सी क्लास ODC सेल बी मूव्ड ड्यूरिंग यानी सी क्लास ODC को डैश के दौरान स्थानांतरित किया जाता है यानी इसका सही उत्तर हमारा डे लाइट यानी केवल दिन में ही सी क्लास ODC चलेंगे यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एज पर न्यू वैगन नंबरिंग सिस्टम फर्स्ट टू डिजिट विल इंडिकेट, यानी फर्स्ट टू डिजिट हमारा होता है वो किस चीज़ को शो करता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइप ऑफ वैगन को शो करता है। अगर नेक्स्ट थ्री और फोर जो हमारा डिजिट होते हैं वैगन का वो हमारा शो करता है जो हमारा किसका है, एनसीआर का है, डब्ल्यूसीआर का है, यानी वैगन ऑनिंग जो होता है ऑनिंग रेलवे उसको शो करता है। वहीं अगर पूछा जाता कि नेक्स्ट जो हमारा होता है 5-6 जो हमारा सीरियल नंबर होते हैं वो क्या चीज़ दर्शाता है, तो वो हमारा वैगन का ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर किस वर्ष वैगन का निर्माण वर्ष हुए हैं उसको दर्शाता है। वहीं अगर C6, 7, 7, 8, 9 और 10 चार जो नंबर है ये वैगन का सीरियल नंबर को दर्शाते हैं, वहीं C11 यानी 11वां डिजिट हमारा चेक डिजिट जो वैगन का होता है जिससे कैलकुलेट किया जाता है कि वैगन जो दिया गया है वैगन नंबर वो सही है गलत, इसका पता चेक डिजिट के द्वारा ही लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमसे सिर्फ पहले दो अंक को बताए पूछे गए थे, इसका इसलिए सही उत्तर हमारा टाइप ऑफ वैगन ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, क्लेविस एंड क्लेविस पिन आर द पार्ट ऑफ, यानी क्लेविस और क्लेविस पिन का किसका हिस्सा होता है, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी ट्रांजिशन कपलर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, यानी व्हील गेज को डैश में मापा जाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑफ लोड कंडीशन में मापा जाना चाहिए, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्स एंड वैगन इन लोडेड कंडीशन इज डैश एमएम, यानी लोडेड स्थिति में बॉक्स एंड वैगन का पिस्टन स्ट्रोक कितना होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हमारा 130 प्लस माइनस 10 mm होना चाहिए। वहीं आपसे अगर पूछा जाता कि एम्प्टी में कितना होता है, तो एम्प्टी में होता है 85 प्लस माइनस 10 mm होता है बॉक्स एंड वैगन का पिस्टन स्ट्रोक, वहीं लोडेड में 130 mm, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रड हेड एंड द बैरल ऑफ एसएबी इज नेम्ड एज, एंड एसएबी के कंट्रोल रड हेड और बैरल के बीच की जो दूरी होते हैं उसको हम ए डायमेंशन के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाता ए डायमेंशन होता कितना है, तो इसका सही उत्तर हमारा 70 + 2 - 0 mm, जो कि ऑल टाइप कैसनर बोगी होते हैं उसके लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन स्पेशल बॉबारेन की केस में यह 27 + 2 - 0 mm होते हैं ए डायमेंशन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, द कलर ऑफ बीपीसी फॉर प्रीमियम रेक इज, यानी प्रीमियम रेक के लिए बीपीसी का रंग क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा ग्रीन कलर का होता है। वहीं बीपी परसेंटेज अगर मिनिमम पूछा जाए जहां से ओरिजिनेटिंग स्टेशन जहां बीपीसी बनता है उसमें हमारा 95% होना चाहिए, लेकिन मिनिमम का डिसाइड अभी बोर्ड के द्वारा नहीं किया गया है। वहीं अगर बीपीसी की वैलिडिटी की बात करें तो 12 + 3 days का प्रीमियम की वैलिडिटी दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, एसएबी एडजस्ट क्लीयरेंस बिटवीन, यानी एसएबी किसके बीच क्लीयरेंस को समायोजित करता है, तो इसका सही उत्तर हमारा व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच के जो क्लीयरेंस होते हैं उसको मेंटेन करता है हमारा एसएबी, यानी स्लैक लेस्ट जो हमारा बैरल होता है स्लैक लेस्ट बैरल, वो हमारा व्हील और व्हील ब्रेक ब्लॉक के बीच जो क्लीयरेंस मेंटेन होता है उसको मेंटेन करता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, द एम्प्टी लोड डिवाइस इंडिकेटर प्लेट्स शोज, यानी एम्प्टी लोड डिवाइस जो संकेतक होते हैं वो क्या दिखाता है, इसका सही उत्तर है हमारा येलो एम्प्टी और ब्लैक लोडेड को दर्शाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ स्टील आर यूज इन साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट ऑफ कैसनर बोगी, यानी कैसनर बोगी की साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट में किस प्रकार के स्टील का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा सिल्कीज सिल्का मैग्नीज स्टील, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन ऑफ व्हील फ्लेंज, एंड व्हील फ्लेंज का मानक झुकाव कितना होता है। इसका सही उत्तर हमारा 1 in 20, यानी 20 mm में हमारा 1 mm का टेपर होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग यूज इन बीएलसी वैगन, यानी बीएलसी वैगन में किस प्रकार के रोलर बियरिंग प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा टेपर्ड 2 रो कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन बोवार इन वैगन हैविंग एलएसडी डिफेक्टिव बट डीबी एंड पीटी वर्किंग इज 10 kg/cm। तो बोवार एंड बैगन में ब्रेक सिलेंडर का दबाव एलएचडी दोषपूर्ण है लेकिन डीबी और पीटी काम कर रहा है, उस केस में कितना होना चाहिए। इसका सही उत्तर 3.8 kg/cm², यानी वो काम कर नहीं रहा है। इस केस में एम्प्टी और लोडेड में सेम कंडीशन में प्रेशर जा रहे हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द रूट रेडियस फॉर व्हील टर्नेड टू वर्न व्हील प्रोफाइल इज 10 mm, एंड पहिए के घिसे पीटे पहिए के प्रोफाइल के लिए मूल त्रिज्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा 14 mm, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर देयर इन रेक ऑफ 59 बॉक्स इन एचएल विथ बीएमबीएस सिस्टम एंड 1 BBZI, यानी बीएमबीएस ब्रेक सिस्टम के साथ 59 बॉक्स इन एचएल वैगन एंड 1 BBZI के रेक में कितने ब्रेक सिलेंडर होंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पर बीएमबीएस पूछा गया है, बीएमबीएस में एक बॉक्स इन एचएल में टोटल 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं, उस केस में आप 59 से मल्टीप्लाई करेंगे 118 आ जाएंगे, और 1 BBZI में टोटल 4 ब्रेक सिलेंडर होते हैं जिसको आप ऐड करने पर पाएंगे कि 122 ब्रेक सिलेंडर आता है, यानी 122 हमारा ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था एट व्हाट क्लीयरेंस फ्रॉम साइड फ्रेम टू एपीएम लीवर आर्म द ब्रेक सिलेंडर हैज 3.8 kg/cm² एयर प्रेशर, यानी साइड फ्रेम से एपीएम लीवर आर्म तक कितनी दूरी पर ब्रेक सिलेंडर 3.8 kg/cm² वायु दाब होता है। तो यानी अगर बिलो 80 mm हो तो वो लोडेड कंडीशन को दर्शाता है, तो उस केस में हमारा वहीं टोटल आर्म मूवमेंट की बात करें तो टोटल हमारा 104 mm के होते हैं, वहीं 180 mm से अगर अधिक हो तो वह एम्प्टी को दर्शाता है, वहीं अगर लोडेड हो तो 80 mm से कम रहनी चाहिए आर्म का मूवमेंट। यानी यहां पर हमसे पूछा गया था कि लीवर जो ब्रेक सिलेंडर 3.8 kg जब जाता है यह कब जाता है, जब लोडेड कंडीशन हो, अगर एम्प्टी होता तो 2.2 kg/cm² का प्रेशर जाता, लेकिन यहाँ पर लोडेड कंडीशन का पूछा गया था इसलिए हमारा बिलो 80 mm यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया इन बीएमबीएस ब्रेक सिस्टम हाउ मैनी व्हील्स आर कनेक्टेड टू द हैंड ब्रेक सिस्टम, यानी बीएमबीएस ब्रेक सिस्टम में हैंड ब्रेक सिस्टम में कितने पहिए जुड़े होते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बीएमबीएस में प्रत्येक ट्रोली पर एक ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं जिसमें एक हमारा विदाउट हैंड ब्रेक होता है, एक पर हमारा हैंड ब्रेक लगे होते हैं, हैंड ब्रेक जो कि एक सिलेंडर पर एक ट्रोली पर एक सिलेंडर होते हैं, यानी टोटल 4 चक्कों पर लगेंगे ब्रेक, यानी टोटल एक ट्रॉली के 4 चक्कों पर लगेंगे, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इन नॉर ब्रेक ब्रेम से मेक WST सिस्टम द एक्टिवेशन ऑफ WSP इज डन बाय डैश प्रेशर, यानी नॉर ब्रेम्स मेक्स WSP यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम में WSP की सक्रियता डैश वाल्व द्वारा की जाती है। इसका सही उत्तर हमारा BP यानी ब्रेक पाइप के प्रेशर के द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे स्प्रिंग अरेंजमेंट इन 1 बोगी ऑफ बॉक्स एंड HL 22.9 वैगन्स, यानी बॉक्स एंड HL जो हमारा 22.9 जो हमारा एक्सल लोड वाले होते हैं बैगन, उसकी एक बोगी में स्प्रिंग की व्यवस्था कितनी अरेंजमेंट है। इसका सही उत्तर हमारा 14 हमारा होता है आउटर, 14 हमारा होता है इनर, और टोटल 4 हमारा स्नबर स्प्रिंग होते हैं जो कि हमारा
ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था द नंबर ऑफ ब्रेक एक्चुएटर फिटेड इन एलएचबी कोच आर ईयर ब्रेक सिस्टम में, यानी एलएचबी कोच में ईयर ब्रेक सिस्टम में लगे ब्रेक एक्चुएटर की संख्या टोटल प्रत्येक हमारा डिस्क ब्रेक के लिए एक होता है, टोटल आठ की संख्या, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंडर हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट टोल एंड HOER के अनुसार रनिंग स्टाफ कॉम्स अंडर बिच कैटेगोरी, तो इसका सही उत्तर हमारा कंटिन्यूअस के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था व्हाट इज द नेम ऑफ डैम्पर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कोच बॉडी, यानी बोगी और कोच बॉडी के बीच जुड़े डैम्पर का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हमारा यो डैम्पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आप पूछे जाए कि यो डैम्पर किसका बना होता है, तो यो डैम्पर हमारा कास्ट स्टील का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाउ मेनी डैम्पर्स आर प्रेजेंट इन वन एलएचबी बोगी, यानी एक एलएचबी बोगी में कितने डैम्पर लगे होते हैं, तो इसका सबसे पहले देखेंगे हमारा एक बोगी पर चार चक्के होते हैं, चारों चक्के पर एक हमारा वर्टिकल प्राइमरी हमारा डैम्पर लगे होते हैं, जो कि चार चक्के यानी चार वर्टिकल डैम्पर। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में हमारा सेकेंडरी दो वर्टिकल डैम्पर दोनों स्प्रिंग के पास लगे होते हैं, तो हमारा दो हो जाएगा। दो हमारा बॉडी और बॉगी के बीच यो डैम्पर लगे होते हैं, तो यानी यो डैम्पर की बात करें तो वो दो की संख्या में हो जाएंगे। वहीं अगर लेटरल की बात करें जो कि एक की संख्या में होते हैं, टोटल को अगर जोड़ते हैं तो टोटल हमारा नौ की संख्या में प्रत्येक बोगी में आते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है, यानी प्रत्येक बोगी में एक एलएचबी बोगी में नौ की संख्या में डैम्पर लगे होते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट व्हील डिफेक्ट, यानी निम्न में से कौन सा पहिया दोष नहीं है, यहाँ पर आप जा सकते हैं कि हॉलो फ्लेंज होता है, थिन फ्लेंज भी होता है, डिप फ्लेंज भी होता है, लेकिन हमारा स्प्रेड गेज नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था ट्रेमलिंग इज डन फोर, यानी ट्रेमलिंग किसले के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा स्क्वायरनेस और बोगी के जांचने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोवारिन बैगन पेंटेड विथ ब्लू कलर सिग्निफाइज, यानी नीले रंग से रंगा हुआ बोवारिन बैगन दर्शाता है हायर कैपेसिटी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था इन केस ऑफ लॉन्ग होल फॉर्मेशन द ब्रेक सिस्टम इज चार्ज विथ एयर फ्रॉम, यानी लॉन्ग होल रेक में ब्रेक सिस्टम को हवा से चार्ज किया जाता है इंजन ऑफ फर्स्ट रेक, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन फ्रेट स्टॉक इज डैश में, यानी फ्रेट स्टॉक में फ्लैट टायर की सीमा 60 mm की होती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं आपसे कोचिंग का पूछा जाए कि कोचिंग का कितना होता है, तो कोचिंग में फ्लैट टायर की सीमा 50 mm होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था लेटरल एवं लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस ऑफ फियट बोगी इज डन बाई, यानी फियट बोगी का पार्श्व और अनुदैर्ध्य मार्गदर्शन किसके द्वारा किया जाता है, इसका सही उत्तर हमारा कंट्रोल आर्म के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था नंबर ऑफ लेवलिंग वाल्व फिटेड इन ईयर स्प्रिंग बोगी इज डैश, यानी ईयर स्प्रिंग बोगी में लगे लेवलिंग बाल्बों की संख्या कितनी होती है, तो दो लेवलिंग बाल्ब दो ईयर स्प्रिंग के पास लगे होते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी एंटी ग्रिप इज डन बाय, यानी सहायक एंटी ग्रिप का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, इसका सही उत्तर हमारा नक्कल थ्रोवर नोज, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल इज नोन एज, यानी क्रॉस लेवल में भिन्नता की दर के डैश के रूप में जानते हैं, इसका सही उत्तर हमारा ट्विस्ट
यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स हमारा 2.5 से लेकर 2.75 तक होता है, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आईसीएफ की बात करें तो ये हमारा 3.5 होता है आईसीएफ कोच का राइडिंग इंडेक्स। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था परमिसेबल लिमिट ऑफ डीप फ्लेंज इन व्हील इज डेसिमम, यानी व्हील में डीप फ्लेंज की अनुमेय सीमा कितनी होती है, तो 35 mm पर हम मैक्सिमम अलाउ कर सकते, उससे ज़्यादा होने पर हम अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डीप फ्लेंज हो तो जहाँ पर हमारा रेल ज्वाइंट होते हैं, इस तरह का ज्वाइंट हमारा लगाए जाते हैं यहाँ पर 35, और रेल ज्वाइंट हमारा इस तरह जब, और यहाँ से हमारा 2 बोल्ट लगाकर कनेक्ट किए जाते हैं, वहाँ पर अगर डीप फ्लेंज ज़्यादा हो तो ये बोल्ट कनेक्टिंग बोल्ट को तोड़ने की संभावना बनी रहती है और गाड़ी डीलिमेंट हो सकती है। इसलिए 35 mm से ज़्यादा डीप फ्लेंज होने पर हम गाड़ी चक्की को अलाउ नहीं करते हैं। वहीं अगर नए कंडीशन में डीप फ्लेंज की बात करें तो 28 mm होते हैं, वहीं हम 35 mm पर कंडम कर देते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूएसटी टेस्ट प्रोसीडर, यानी निम्न में से कौन सा यूएसटी परीक्षण प्रक्रिया नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा टाइम डिले सही उत्तर हो जाएगा। परमिसिबल लिमिट ऑफ व्हील डायमीटर डिफरेंस इन सेम आईसीएफ बोगी, यहाँ पर ऑप्शन डी, क्योंकि हमारा यहाँ पर सेम आईसीएफ बोगी पूछा गया था, तो ऑप्शन डी यानी 5 mm हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप कोचिंग की अगर बात करें, कोचिंग के पूछा नहीं गया है तो सेम एक्सल बोगी कोच, सेम एक्सल पर अगर कोचिंग में पूछा जाए तो 0.5 mm, वहीं सेम बोगी में पूछा जाए तो 5 mm, वहीं सेम कोच में पूछा जाए तो यह 13 mm का डिफरेंस हम अलाउ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे सेम बोगी पूछा गया, इसलिए 5 mm यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था D2 शेड्यूल ऑफ LHB कोच इज डन आफ्टर, यानी LHB कोच का D2 शेड्यूल निम्न के डैश के बाद किया जाता है, तो ये हमारा सही उत्तर 1 month, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है टाइम टेकन टू टर्न आउट ERT इन डबल एग्जिट साइडिंग, यानी डबल एग्जिट साइडिंग में ERT को चालू करने लगने वाला समय कितना होता है, तो ये हमारा ऑप्शन सी 20 मिनट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ SLI, यानी SLI का फुल रूप क्या होता है, सेफ लोड डिटेक्टर हमारा ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था हमसे PH21 का योजना से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं आपसे पूछा जाता था PH41 हमारा MNP यानी मशीनरी एवं प्लांट से रिलेटेड है। वहीं आपसे पूछा जाता PH 53, तो ये हमारा पैसेंजर एमिनिटी से रिलेटेड होता। वहीं वर्क हमारा PH 42 पूछा जाता, वो हमारा वर्कशॉप्स से रिलेटेड होता। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था BMBS ब्रेक सिलेंडर इन ICF कोच हैज डैश सेलेक्ट एग्जिस्टर, यानी ICF कोचों में BMBS ब्रेक सिलेंडर में डैश सेलेक्ट एग्जिस्टर होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन ए सिंगल एक्टिंग, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फोर्स रिक्वायर्ड टू लॉक ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक इन BLC वैगन, यानी BLC वैगन में स्वचालित ट्विस्ट लॉक को लॉक करने के लिए आवश्यक बल 600 kg हमको लॉक करने के लिए लगते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं हमारा इनसे फोर्स रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट लॉक जो हमारा रिलीज करने के लिए यानी अनलॉक करने के लिए हमें 1000 kg का जरूरत पड़ते हैं, यानी ऑप्शन बी
यानी लॉक करने के लिए हमें 600 केजी, वहीं अनलॉक यानी रिलीज करने के लिए 1000 केजी का जरूरत पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था द सीबीसी कंपोनेंट यूज इन न्यू बॉक्स एंड एचएल वैगन आर व्हाट टाइप, यानी नए बॉक्स एंड एचएल वैगन में प्रयुक्त सीबीसी पार्ट किस प्रकार के होते हैं। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी HDEA, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था द ओरिजिनेटिंग ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम एग्जामिनेशन रेक, ये हमारा प्रीमियम जांच रेक में रेक के प्रारंभिक ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है, ये हमारा ऑप्शन डी एंड 95% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं BPC के वैलिडिटी हमारा 12+3 दिन का होता है। वहीं BPC की कलर अगर पूछा जाए तो ये हमारा ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था हमसे कि 73 कोड इन WSP इंडिकेट्स, यानी WSP सिस्टम में 73 का मतलब क्या होता है, तो 73 का मतलब होता है फॉल्ट इन सेवरल एक्सेल्स, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं 72 अगर फॉल्ट शो करता है तो 1 एक्सेल पर फॉल्ट होता। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था रूप सीट थिकनेस ऑफ BCNA वैगन, यानी BCNA वैगन की रूप सीट की थिकनेस 1.6 mm, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फंक्शन ऑफ कॉफिशियंट ऑफ के टाइप ब्रेक ब्लॉक इज, यानी के प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का फ्रिक्शन कॉफिशियंट होता है 0.25, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था ब्रेक सिलेंडर डायमीटर ऑफ डिस्क ब्रेक सिस्टम, एंड डिस्क ब्रेक सिस्टम में ब्रेक सिलेंडर का व्यास हमारा 10 इंच, यानी ऑप्शन सी हमारा, और इसे अगर mm में कन्वर्ट करें 255 mm का एप्रॉक्स आते हैं। इन प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम द एयर प्रेशर इज प्रोवाइडेड फ्रॉम, यानी प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम में वायु दाब प्रदान किया जाता है, यानी यह फीड पाइप से प्रदान की जाते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इन केस ऑफ फुली लॉक्ड एच टाइप CVC द पोजीशन ऑफ रोटेटरी रिब शुड बी, यानी पूरी तरह से बंद एच टाइप CVC के मामले में रोटेटरी रिब की स्थिति होनी चाहिए वर्टिकल होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे द कैपेसिटी ऑफ शॉक एब्जर्वर इन ICA बोगी, यानी ICA बोगी में शॉक एब्जर्वर की क्षमता कितनी होती है, तो ये हमारा ऑप्शन डी यानी 600 केजी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कंडमिंग साइज ऑफ बियरिंग पीस इन साइड बिरर ऑफ ICA बोगी इज, यानी ICA बोगी के साइड बिरर में बियरिंग पीस की कंडम साइज कितनी होती है, ये हमारा 42 mm हमारा कंडम हो जाएगा कंडम। वहीं अगर न्यू पूछा जाता तो न्यू हमारा 45 mm होते हैं। परमिसिबल स्पीड ऑफ रनिंग ऑफ ICA कोच विथ ब्रोकन सेकेंडरी क्वाइल स्प्रिंग, अगर टूटे हुए सेकेंडरी क्वाइल स्प्रिंग के साथ ICA कोच चलाने की अनुमति कितनी है, अगर सेकेंडरी क्वाइल स्प्रिंग अगर ICA बोगी का टूट जाता है उस केस में गाड़ी को अलाउ नहीं करेंगे, या तो हम सेकेंडरी स्प्रिंग को चेंज करेंगे या तो गाड़ी को कटवाएंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था एज पर RPC 4 द वैलिडिटी ऑफ BPC ऑफ ओरिजिनेटिंग ICF ट्रेन इज, यानी RPC 4 के अनुसार आरंभिक ICF ट्रेन की BPC की वैधता कितनी होती है, ये हमारा 3500 किलोमीटर या 96 आवर्स जो भी पहले हो उसमें हम उसकी वैधता रहती है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम व्हाट गैस इज यूज्ड, यानी स्वचालित अग्निशामन प्रणाली में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे द पुलिंग फोर्स टू फॉर अलार्म चेन इन ICF कोच शैल नॉट एक्सीड, यानी ICF कोच में अलार्म चेन के लिए खींचने वाले बल 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका सही उत्तर हमारा 10 kg से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था इन इलेक्ट्रिक इन मोशन वेट ब्रिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग नॉन वेटमेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेट ब्रिज में जब कोई भी वजन नहीं जरूरत तब ट्रेन की अधिकतम गति कितनी घंटे होनी चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन ए यानी 30 किलोमीटर पर हमार सही उत्तर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था ए सी डब्ल्यू एस इन कोचिंग डिपोट स्टैंड फॉर यानी कोचिंग डिपो में ए सी डब्ल्यू एस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑटोमेटिक कोचिंग वाहनसी प्लांट यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हाउ मेनी डुप्लेक्स वाल्व ऑफ एयर सस्पेंशन इज प्रजेंट इन वन LHP कोच यानी एक LHP कोच में वायु सस्पेंशन में के कितने डुप्लीकेट बाल्ब मौजूद होते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी यानी दो की संख्या में होते हैं। हाउ मेनी हुटर्स आर ब्लोन फॉर मूवमेंट ऑफ SRMB यानी इस पार्म को शुरू करने के लिए कितने हुटर बजाए जाते हैं। इसकी सही संख्या हमारा ऑप्शन बी 5 की संख्या में बजाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था इन वैगन नंबर 7212085478 द 11 ट्रीट ऑफ वैगन यानी यहाँ पर हमसे वैगन जो टोटल 11 अंक के होते हैं लेकिन यहाँ पर हमें 10 अंक दिए गए थे और 11वां अंक यानी चेक डिजिट हमसे पूछा गया था कि कितना होगा। इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम वैगन नंबर को पहले नोट कर लेते हैं और जो हमारा फर्स्ट ऑड नंबर का डिजिट होता है उसको जोड़ लेते हैं। तो आप जोड़ने पर यह पा रहे होंगे कि टोटल ऑड नंबर हमारा 20 आ रहा है और इवन नंबर हमारा 24 आ रहा है। उस केस में हम इवन नंबर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 72 आ जाता है। 72 को फिर हम जो ऑड नंबर वाले इस वन थे और इवन नंबर जो 3 से मल्टीप्लाई किए गए थे दोनों को जोड़ने पर हम 92 प्राप्त होते हैं। 92 को हम चेक डिजिट प्राप्त करने के लिए टेल्स 10 के मल्टीपल जो भी संख्या नज़दीक में नियर बाई में होगी उसको जोड़ने पर हम जो भी संख्या प्राप्त होती है वो हमारा चेक डिजिट कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 92 में आप 8 जोड़ेंगे तो 8 जोड़ने पर आपको 100 प्राप्त होगा इसलिए हमारा यहाँ पर चेक डिजिट 8 होंगे। लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है इसलिए आप इस प्रश्न को छोड़ सकते हैं क्योंकि इस प्रश्न जो मार्क्स होंगे उस सारे कैंडिडेट को दिए जाएंगे इसलिए गलत अटेम्प्ट ना करें क्योंकि यहाँ पर हमारा चेक डिजिट इस प्रश्न के लिए 8 आ रहे हैं। इन कैसनव ट्रोली द पेयर्ड स्प्रिंग हाइट शुड बी यानी कैसनव ट्रोली में पेयरिंग स्प्रिंग की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हमारा विद इन 3 mm हाइट यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था द पेयरिंग ऑफ सेकेंडरी स्प्रिंग इन LHB कोच इज डन ऑन बेसिस ऑफ यानी LHB कोच में सेकेंडरी स्प्रिंग का पेयरिंग निम्न के आधार पर किया जाता है। इसका सही उत्तर हमारा अलाइनमेंट डिविएंसर जो हमारा बेसिस होते हैं उस पर इसका पेयरिंग किए जाते हैं यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था द अल्यूमिनियम बैंड ऑन LHB सेकेंडरी स्प्रिंग डिनोट्स यानी LHB सेकेंडरी स्प्रिंग पर एल्यूमिनियम जो बैंड हमारा लगे होते हैं एल्यूमिनियम की वो क्या दर्शाता है। वो हमारा डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट डेविएशन दर्शाता है यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ दुरंतो कोच लगेज वन इज यानी दुरंतो कोच में लगे लगेज वाहन की परिवहन कोड क्या होगा। तो एल मतलब LHB SLR मतलब हमारा जो ब्रेक वाहन होते हैं और डी मतलब दुरंतो यानी ऑप्शन डी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा मैथ से पूछे गए थे द वैल्यू ऑफ लॉग 8 के 8 जो बेस और 2 का वैल्यू पूछा गया था यानी लॉग 8 2 का वैल्यू कितना होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा लॉग 2 को हम x वैल्यू मान लिए और 2 हमारा बेस में आने पर हमारा 8 के पावर x हो जा रहे हैं। उस केस में हमारा
टू के वन पावर और टू के हम एट को जब कन्वर्ट करते हैं तो टू के पावर थ्री आ जाते हैं, उस केस में हमारा थ्री एक्स एक आ जाएंगे और इसलिए हमारा एक्स का वैल्यू वन बटा थ्री हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और प्रश्न मैं सही पूछे गए थे, द सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स इज, यानी प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया था। इसके लिए आप फार्मूला देख सकते हैं, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू होता है, तो इसमें केस में आप 50 और 50 प्लस वन को जब दो से डिवाइड करेंगे तो आपको 1275 हमारा समेशन हमारा आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन्फ्लुएंसेस द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर, निम्न में से कौन सा भाग ब्रेक सिलेंडर के दबाव को प्रभावित करता है, तो ऑटोमेटिक प्रेशर मॉनिटरिंग और लोड सेंसिंग डिवाइस दोनों एम्प्टी और लोडर के लिए अलग अलग प्रेशर भेजते हैं ब्रेक सिलेंडर को, यानी यही प्रभावित करते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था, एपीटी का मीन्स यानी एपीटी का अर्थ क्या होता है, तो एपीटी का अर्थ हमारा एंटी प्लिफरेज डिवाइस हमारा होता है, यानी ऑप्शन बी एंटी प्लिफरेज डिवाइस सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, डैश इज द कंपोनेंट अथॉरिटी टू क्लासीफाई रेलवे सर्वेंट एज एक्सक्लूडेड एज पर द एच ओ ई आर यानी एच आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स के अनुसार, बहिष्कृत रेल सेवक को वर्गीकृत करने के लिए डैश सक्षम अधिकारी है, यानी इसका सही उत्तर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, द हॉस्पिटल लीव कैन बी टेकन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 मंथ यानी अस्पताल लीव छुट्टी महीने कितने महीने के लिए मैक्सिमम ले सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन ए 24 मंथ्स। ए पी ए आर यानी एनिमल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट हमारा जो साल भर पर जाते हैं, ऑफ नॉन ग्रेजुएटेड स्टाफ इन लेवल 6 विल बी फाइनलाइज्ड बाय, ये हमारा होता है यानी स्तर 6 में अराजपत्रित कर्मचारी का एपीआर यानी एनिमल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट को डेस्क के द्वारा अंतिम रूप से दिया जाएगा, यानी ऑप्शन ए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अधिकारी के द्वारा दिया जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, द गैप एट सेकेंडरी लॉक अंडर एयर प्रेशर इन बोवारिन बैगन यानी बोवारिन बैगन में जो हमारा अंडर प्रेशर होते हैं उसका कितना होना चाहिए, तो हमारा होना चाहिए 6 से 10 mm, जो कि हमारा अंडर एयर प्रेशर जब प्रेशर में लगा हो उस केस में हमारा सेकेंडरी लॉक का गैप 6 से 10 mm होते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर रिलीज कंडीशन में हो तो रिलीज कंडीशन हमारा 0 से 2 mm तक हमारा यह गैप होते हैं जो कि रिलीज्ड कंडीशन में होते हैं, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया था अंडर एयर प्रेशर जब प्रेशर में हो उस केस में हमारा 6 से 10 mm, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बिच वाइल इज यूज इन डैशपोर्ट गाइड एंड डैशपोर्ट गाइड में किस प्रकार का तेल का प्रयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर हमारा सर्वोलिन 68 यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनुअल फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बोवारिन बैगन्स यानी बोवारिन बैगन्स की संचालन एवं रख रखाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मैनुअल उपयोग में लिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा G73 मैनुअल उपयोग में लिया जाता है जो कि बोवारिन के मेंटेनेंस और मैनुअल के लिए रखे जाते हैं। वहीं आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि G95 किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो ये हमारा कैसना बोगी जो हमारा होता है उसके मेंटेनेंस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वहीं अगर G70 की बात करें तो G70 हमारा बॉक्सन बैगन जो हमारा होता है उसके मेंटेनेंस मैनुअल के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रैक गेज इज मेजर्ड 10 mm बिलो द रेल टॉप यानी ट्रैक गेज को रेल टॉप के 10 mm के नीचे से मापा जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा 13 mm यानी 13 mm हमारा ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, हेलिकल स्प्रिंग आर यूज्ड इन डैश ड्राफ्ट गियर, यानी हेलिकल स्प्रिंग का उपयोग डैश ड्राफ्ट गियर में किया जाता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी MK50 में किया जाता है, जिसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी हमारा 5385 हमारा, यानी 5385 केजी का हमारा केजी मीटर कैपेसिटी इसका होता है MK50 का। नेक्स्ट पूछा गया था बी डायमेंशन ऑफ ICA बोगी डिनोट्स, यानी ICA बोगी में बी आयाम दर्शाता है जो कि क्लियरेंस बिटवीन बोगी ब्लस्टर और बोगी फ्रेम के बीच को दर्शाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ICA का बोगी, यहाँ पर हमारा चक्के होते हैं, यहाँ पर हमारा सेकेंडरी जो हमारा स्प्रिंग लगे होते हैं ब्लस्टर, और ये हमारा बोगी फ्रेम है और ये हमारा ब्लस्टर लगे होते, ये दोनों के गैप के बीच को ही हम बी डायमेंशन के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BMBS ब्रेक सिलेंडर ऑफ ICF ट्रोली इज डेसिमम, यानी ICF ट्रोली में BMBS ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है, तो ये हमारा 32 mm होते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था द सप्लाई वोल्टेज फॉर स्मोक डिटेक्टर इन LHB कोच इज डैश वोल्ट्स, यानी LHB कोच में स्मोक डिटेक्टर के लिए सप्लाई वोल्टेज कितना होता है, ये हमारा 110 DC वोल्ट हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था विच क्लास ऑफ ODC मूवमेंट इज परमिटेड ओनली ड्यूरिंग द डे, और ODC के परिवहन के लिए किस वर्ग की केवल दिन में ही अनुमति दी जाती है, ये हमारा जो हमारा सी क्लास ODC होते हैं उसको हम केवल दिन ही चलाते हैं, यानी ओनली डे में ही इसको परमिट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग व्हील डिफेक्ट में लीड टू द पॉइंट ब्रस्टिंग, एंड निम्नलिखित में से कौन सा पहिया दोष पॉइंट ब्रस्ट का कारण बनता है, जो कि थिन फ्लेंज होते हैं, जो कि थिन फ्लेंज अगर हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये पटरी है, और इस केस में हमारा जहाँ से हमको कर्व दूसरे पॉइंट्स के लिए जाना पड़ता है, तो यहाँ पर हमारा अगर थिन फ्लेंज हो तो यहाँ पर पॉइंट ब्रस्ट होकर इस लाइन में गाड़ी चली जाएगी, जो कि एक दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए यहाँ पर पूछा गया था पॉइंट दोष यानी थिन फ्लेंज हमारा ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फ्लोइंग मेक एयर स्प्रिंग आर नॉट यूज इन रेलवेज, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यानी आसी का सही उत्तर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट 10 प्रश्न पूछे गए थे राजभाषा से, जिसको आपको 110 के अंतर्गत दिए गए थे। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी हैज बीन गिवेन द स्टेटस एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी आर्टिकल 343 यानी अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ऑफिशियल दर्जा दिया गया है लैंग्वेज का। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी इन हिंदी इन बीच स्क्रिप्ट, यानी संघ की राजभाषा हिंदी किस लिपि में होगी, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी देवनागरी लिपि में होगी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्राइज मनी गिवेन अंडर राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम, एंड राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है, इसका सही उत्तर हमारा 1500 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था हाउ मैनी हिंदी कोर्सेज आर प्रेस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी केंद्र सरकार कर्मचारी के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है, इसका सही उत्तर हमारा 3 यानी 3 की संख्या में है, यानी 3 की संख्या में कर्मचारी के लिए दिए गए हैं जिसमें पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पहला है हमारा प्रबोध, सेकेंड है हमारा प्रवीण और थर्ड है हमारा प्रज्ञा, 3 पाठ्यक्रम रेल कर्मचारी के लिए निर्धारित किए गए हिंदी कोर्स के अंतर्गत।
नेक्स्ट पूछा गया था व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स पास्ट, इसका यानी राजभाषा नियम कब पारित किए गए थे। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी 1976 के अंतर्गत पारित किए गए थे, जिसमें यह तमिलनाडु यानी तमिलनाडु पर यह रूल्स लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द ट्रांसलेटिंग द स्टैट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑर्डर्स, संविधान के अनुसार वैधानिक नियमों के विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है। इसका सही उत्तर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय करते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था ऑफिशियल लैंग्वेज आर शेड्यूल इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान के किस भाग में राजभाषाएं निर्धारित है, यानी ऑप्शन ए हमारे यानी 8 शेड्यूल में निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत टोटल वर्तमान में 22 भाषाएं प्रजेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है विच सब कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्पेक्ट द ऑफिसेस ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री, यानी संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेल मंत्रालय में कार्यालयों का निरीक्षण करती है। इसका सही उत्तर हमारा सेकेंड कमेटी करती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। व्हेन वाज द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी संसदीय राजभाषा समिति जो हमारा है उसकी गठन कब किया गया था। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी 1976 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न पूछा गया था हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य हैं। टोटल 30 यानी ऑप्शन ए हमारा से, जिसमें लोकसभा से 20 और राज्यसभा से टोटल 10 प्रश्न यानी टोटल 30 की संख्या में है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए इसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।